Hello, welcome to Arvind Academy. This is another session on permutation, video lecture number 7. I hope you have already watched video lecture number 1 to 6 before watching part 7. So, last class we have talked about a question. Our questions were incomplete because of time constraints. So, let me write this question. Question was, how many 3-digit even numbers can be formed? Even numbers can be formed with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. If repetition of digits are not allowed. ये questions जब allowed था वो तो हमने कर लिया था, जब allowed नहीं है तब क्या होगा ये हमें देखना था। तो इसके solution में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये 3-digit number के लिए place है। अब यहाँ पे दो restrictions है, एक even number हमें बनानी है और दूसरा जीरो की है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता और यहां जीरो हो सकता है। जीरो के साथ डुअल रिस्ट्रिक्शंस है, दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस है। जीरो के साथ यूनिट प्लेस पे इसका वेलकम है और यहां पे इसका रिजेक्शन है। यहां पे बुला रहे हैं और यहां पे भगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसलिए इस कैरेक्टर्स के लिए आपको स्पेशल केस कंसीडर करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, व्हेन यूनिट प्लेस इज जीरो, unit place has zero, then in that case what will happen कि unit place पे अगर zero हो गया तो आपके पास 6 digits हैं, 6 digits हैं, एक उसमें से इस्तेमाल हो गया, remaining 5 can be placed here, और any one out of remaining 5 can be placed here, 5 में से कोई भी एक यहाँ पे arrange किया जा सकता है, इसलिए इस जगह को arrange करने के 5 ways हो गए। अब एक यहां इस्तेमाल हो गए, एक यहां इस्तेमाल हो गए, दो इस्तेमाल हो गए, टू ऑफ देम हैव बीन यूज्ड, सो रिमेनिंग 4 आर लेफ्ट, और जगह कितनी है? 10 स्पेस, एक जगह 4 लोग, याद आ रहा है आपको? तो एक जगह 4 लोग, इसकी अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 बताया था बस में कि अगर एक सीट है, 4 लोग खड़े हैं, कोई एक ही बैठ पाता है, जैसे 4 लोग ट्राई करते हैं, कोई बैग रख पाता है, कोई टंग फैलाता है, कोई हाथ फैलाता है, लेकिन बैठ एक ही आदमी पाता है। इस तरीके से यहां पे ये भी एक तरीके हो गए, तो टोटल 20 वेज हो सकता है जब जीरो एट यूनिट प्लेस हो। दूसरा केस इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि जब जीरो यूनिट प्लेस पे ना हो, व्हेन जीरो इज नॉट एट यूनिट प्लेस, व्हेन यूनिट प्लेस हैज अदर 2 और 4, यूनिट प्लेस हैज 2 और 4, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यहां पे यूनिट प्लेस पे 2 या 4 हो सकते हैं, 2 या 4, नहीं? तो इस जगह को अरेंज करने के दो तरीके होंगे, 2 ways to arrange at unit place। 100 प्लेस में फिर आते हैं, either 2 or 4 have been used, out of any 2, 1 have been used, remaining 5 are left, including 0। 5 जो बचे हैं, 5 जो हमारे पास बचे हैं, उसमें से एक 0 भी है, तो 0 को छोड़कर बाकी को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 4। There are 4 ways to arrange at this place. And now एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, दो इस्तेमाल हो गए। आपके पास 6 digits था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए, आपके पास बच गए 4। 4 into 4 into 2 यानी 32। Either first case, either 0 would be at unit place or 2 or 4 would be at unit place. या तो 0 होगा यूनिट प्लेस पे या 0 नहीं होगा, दो ही बातें होगी, either this will happen or that will happen, either of situation। तो number of arrangement को क्या करना चाहिए? Plus करना चाहिए, तो total number of arrangement will be 52 total arrangement होंगे,
20 plus 32 is equal to 52. Even second case को अलग अलग भी कोई consider कर सकता था. Second case लिखने के बजाय कोई ऐसा लिख सकता था case 2 ऐसे unit place में यहाँ पे 2 हो, ठीक है? और जैसे 0 लिया, एक case 2 ले ले, तब यहाँ पे क्या होगा? इसको arrange करने का एक तरीका होगा. यहाँ पे arrange करने का 5 बच गए, एक 2 तो इस्तेमाल हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास था, 2 इस्तेमाल हो चुका. 0, 1, 3, 4, 5 में से कोई 0 यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इस जगह को अरेंज करने के 4 तरीके. एक यहाँ पे अरेंज हो गया, एक यहाँ पे अरेंज हो गया, बच गया 4, 4 में से कोई एक यहाँ पे, तो 4 तरीके. तभी ये होता 16 वेज. एक तीसरा केस भी तब बनता कि जब 4 है यूनिट प्लेस पे, तभी यही बात होती. ये होता 1, 4, 4, तभी ये होता 16 वेज. और तब भी ये टोटल 3 केसेस कंसीडर करते हैं. पहले केस में 20 तरीका, दूसरे में 16, तीसरे में 16, तब भी ये टोटल कितना आ जाता? 52. तो हमने दो केस के बजाय या 3 केस के बजाय इन दोनों को एक ही केस में ले लिया. 0 को अलग ले लिया, 2 और 4 को एक ही साथ ले लिया, यहां 2 वेज लिख दिया. इससे आपका समय बच जाएगा. लेकिन हमने आपको दिखाया कि ये अलग-अलग भी किया जा सकता था, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी. तब आप सोचो, आप पूछ सकते हो, जब 2 और 4 को एक साथ ले सकते हैं तो 0 को यहां एक साथ क्यों नहीं ले सकते? 0 2 4 तीनों एक साथ लेते और यहां 3 वेज लिखते, तब दिक्कत हो जाती. क्यों दिक्कत हो जाती? क्योंकि 0 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तब 100 प्लेस पे अपॉर्चुनिटी 5 होगी. अगर 0 यूनिट प्लेस पे नहीं होगा तो 100 प्लेस पे अपॉर्चुनिटी 4 होगी. ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है. इसलिए हम 0 को स्पेशल केस ट्रीट करेंगे. 0 या तो यूनिट प्लेस पे होगा या 0 यूनिट प्लेस पे नहीं होगा, ठीक है? क्यों? 0 के साथ dual restriction है, एक यहां पर welcome है और यहां पर नहीं है. अब आप सोचोगे कि odd question जब किया था, odd number बनाया था, तब तो ऐसा नहीं किया था. हाँ, odd में 0 के साथ एक ही restriction थी कि वो 100 place पे नहीं आ सकता है, unit place पर वो आए ये जरूरी नहीं था, ये बिल्कुल ही मना था. एक restriction थी, इसलिए उस समय हमने एक ही केस कर लिया था कि odd number बनानी हो तो 0 के साथ एक ही restriction है, तो हम unit place को 135 से बनाए. जो भी आपके number दिए गए होंगे उसको आप arrange कर सकते हो. चलिए एक question और करके देखते हैं. odd number बनाने का अगर मैं ये same question लिखूं, ध्यान से देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और number इसमें डाल देता हूँ, 6, how many odd number, और यहाँ even के बजाय odd number कर दो तो क्या होगा? Repetition are not allowed. तब यहाँ पे 3 digit number बनानी हो तो क्या होगा? तब यहाँ पे देखिए solution में ये होगा कि यहाँ पर 7 digits अब आपके पास हो गए. 7 digit में unit place पे 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब इसलिए इसको हम 3 ways कह सकते हैं. चूंकि out of 7 one of them have been used, remaining 6 are left. जो 6 बचे हैं उसमें एक 0 ही है, तो 0 को छोड़ के इस जगह को अरेंज करने कितने तरीके हो गए? 5. अब एक यहां इस्तेमाल हो गए, एक यहां इस्तेमाल हो गए, दो डिजिट इस्तेमाल हो गया, तो आपके पास 7 थे, 7 में से 2 इस्तेमाल हो गए, तो कितने बचे आपके पास? 5 डिजिट. 5 में से कोई भी यहां पे इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इस जगह को अरेंज करने के 5 पेज हो गए, तो आपका आंसर कितना हो गया? 75 पेज, ठीक है? और के केस में ऐसा कर सकते हैं, बट इवन के केस में आपको 0 को स्पेशल ट्रीट करनी पड़ेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सोचो क्यों? क्योंकि 0 के साथ डुअल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए दो अलग-अलग पहलू से उसे सोचना होगा, दो डिफरेंट-डिफरेंट डायमेंशन से उसे सोचना होगा, इसलिए दो केसेस बनेंगे ही बनेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने जितने कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्लास में 6-700 बच्चे एक साथ होते हैं और 6-700 बच्चों में से हार्डली 2 या 3 सही बता पाते हैं, बाकी सारे बच्चे उसके आंसर 48 बता रहे हैं या 72 बताते हैं या इस तरह का कुछ बताते हैं, बट वो गलत कर बैठते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान में रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा,
अब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें डिजिट भी रिपीट हो, ठीक है, आपको समझ में आ गई है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें डिजिट भी रिपीट हो। अब ये क्या है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स या थ्री क्यों फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म with digits 1, 2, 2, 4, 5। तो सिंपल यहां थ्री डिजिट नंबर बनाना है आपके पास और फाइव डिजिट नंबर बनाना है और फाइव के डिजिट दिए हुए हैं, तो आपको सिंपल सा लॉजिक ये सोचना है कि फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज इन ए रो इन हाउ मेनी वेज, फाइव वे फैक्टोरियल वेज, फाइव फाइव प्लेसेज, ये है फाइव प्लेसेज 1, 2, 3, 4, 5 और फाइव डिजिट्स है, पांच लोग पांच जगह पर बैठने के तरीके, फाइव पर्सन फाइव प्लेस, कितने तरीके से फाइव फैक्टोरियल, बताया था ना। शुरू की वीडियो आप देखें अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कि इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप शुरू के सारे वीडियो पहले देखें उसके बाद इस पर आए, ठीक है, और अगर भूल चुके हैं तो पहली वाली वीडियो दोबारा देखें फिर इस पर आए। तो ये है फाइव वेज, तो ये फाइव में दो एक जैसे हैं, टू ऑफ देम आर सिमिलर लाइक, ये दो एक जैसे हैं तो इसकी अरेंजमेंट होगी फाइव फैक्टोरियल, अगर डिफरेंट होते तो और सेम है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा यहां पर कितना, तो फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल मींस 120 बाय 2 दैट इज 60 वेज, ठीक है, समझ आ गया। तो नंबर्स बनाने में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर की अरेंजमेंट है तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, एक नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नंबर नहीं रिपीट हो रहा है तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे करेंगे, डिजिट रिपीट हो रही है तो कैसे करेंगे, और अगर उसमें जीरो है तो कैसे करेंगे, ऑड करना है तो कैसे करेंगे, इवन करना है तो क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 which are divisible by 3 अब यहां पर 6 डिजिट आपके पास दिए गए हैं और आपको बनाना है 5 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा। आपको पता है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, डू यू नो दैट? यस, सम ऑफ डिजिट्स, अगर किसी भी नंबर का सम डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस 6 में से आपको 5 लेना है मतलब एक को हटाना है, किसको हटाएं कि हटाने के बाद भी सम जो है वो 3 से डिवाइड हो, जरा जोड़ के देखते हैं 5 + 4 = 9, 3 = 12, 2 = 14, 1 = 15 सबका सम 15 हो रहा है, अगर 0 को हटा देंगे तब भी सम 15 होगा और 15 चूंकि 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, क्लियर है नहीं? अगर 0 को आप रखते हो तो किसको हटाना पड़ेगा 15 में से ताकि 3 से डिवाइड हो, ऑफ कोर्स एक डिजिट हटाना है तो 3 को ही हटाओगे, 3 को हटा दोगे 15 में से 3 निकल जाएगा तो कितना सम होगा 12 और 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो दो बातें होगी, या तो हम 0 को इंक्लूड करें या 0 को एक्सक्लूड, इंक्लूड करते हैं तो 3 को हटाना पड़ेगा, अगर 3 को इंक्लूड करते हैं तो 0 को हटाना पड़ेगा, यही तरीका बचता है और कोई तरीका बचता नहीं। किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा पक्का, ये बात है। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, दो केसेस बनेगी, या तो 0 को इंक्लूड करो और बाकी नंबर से बनाओ, या 0 को इंक्लूड करो और 3 को एक्सक्लूड करो, या 3 को इंक्लूड करो 0 को एक्सक्लूड करो। केस फर्स्ट, व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मींस 0 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इन दैट ग्रुप, मींस नंबर्स आर मेड ऑफ
प्लेसेज हैं, फाइव डिफरेंट डिजिट हैं, इस जगह को अरेंज करने कितने तरीके, फाइव, फाइव में से कोई भी आ सकता है, इस जगह को अरेंज करने के फोर थ्री टू वन, या सिंपल कह सकते थे कि फाइव लो फाइव प्लेस, कितने तरीके, फाइव फैक्टोरियल, और फाइव फैक्टोरियल कितना होता है 120, आइदर फाइव फैक्टोरियल और 120, यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, फाइव डिजिट फाइव प्लेस फाइव फैक्टोरियल, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सरल लॉजिक है, पांच लोग पांच जगह पे कितने तरीके से बैठेंगे तो फाइव फैक्टोरियल, और पांचों यहां अलग अलग है, इसमें जीरो है नहीं, इसलिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे तब यहां पर जीरो नहीं है तब इसको पहले क्यों भरा, आप किसी को भी भरोगे, इधर फाइव भरोगे, इधर फोर, इधर थ्री, इधर टू, इधर वन, क्या फर्क पड़ेगा प्रोडक्ट में, नहीं ना, तो किसी को पहले भर सकते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो किसी को पहले भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमने 100 को भर दिया आवेदन ताकि आपको याद रहे। दूसरा केस क्या बनेगा इसमें, केस टू, जब जीरो को हम इंक्लूड करें तो थ्री को हटाना पड़ेगा, वेयर थ्री इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, वेयर थ्री इज एक्सक्लूडेड, तब क्या होगा, दैट इज नंबर्स आर मेड फ्रॉम नंबर्स आर, नंबर्स आर दैट इज नंबर्स आर मेड बाय, मेड बाय 1 2 0 1 2 4 5। अब यहां पे दो केसेस बनेंगे, यहां पर 3 को आपने एक्सक्लूड कर दिया तो 0 हो गया, और 0 के साथ आपको प्रिंट करना है 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या होगा बताएंगे आप कि यहां पे 0 होगा कि नहीं होगा, यहां पे 0 नहीं होगा, इस पांचों में एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि 0 यहां पे नहीं होना चाहिए, तो 0 को आपको देखना होगा, 0 नहीं होना चाहिए तो इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 4 में, और इस जगह को अब 5 में से एक इस्तेमाल हो गया तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 में, 5 में से एक इस्तेमाल हो गया 4 बच गया, 4 में से, 4 में से कोई एक यहां पर आ सकता है, जगह एक है, ये 1000 प्लस की जगह एक है, सीट एक है, बैठने वाले 4 लोग हैं, कितने तरीके से अरेंज होगा, 4 तरीके से अरेंज होगा, 4 में से कोई एक वहां बैठ सकता है, यही दिमाग में रखना है कि जगह एक, बैठने वाले 4, कोई एक बैठ सकता है, इसलिए उसको अरेंज करने के 4 तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल नहीं होंगे, 4 फैक्टोरियल तभी होगा जब जगह भी 4 हो, बैठने वाले भी 4 हो, आप यहां पे 4 जगह है, 4 बैठने वाले हैं, 4 फैक्टोरियल पूरे के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको अभी समझाने के लिए एक एक करके लिख रहे हैं, क्योंकि एक यहां इस्तेमाल हो गया, 5 डिजिट थे, 0 यहां इस्तेमाल के लायक नहीं था, 0 को छोड़ करके और बाकी बचे हुए 5 में से कोई एक अरेंज कर सकते थे, इसलिए जगह को अरेंज करने के लिए 4 तरीके हुए, क्योंकि अब 5 में से एक इस्तेमाल हो चुका तो 4 लेफ्ट हो गए, और उस 4 में से कोई एक अरेंज हो सकता है, इसलिए जगह को अरेंज करने के 4 तरीके हुए। 1 and 1, 2 have been used, out of 5, 2 have been used, how many of them are left, 3 of them are left, so out of remaining 3, any one of this can be placed here at 100 place, बचे हुए 3 में से कोई भी एक इस 100 प्लेस की शोभा बढ़ा सकता है, कोई भी, कौन बढ़ाएगा, उन तीनों में से कोई भी, अब बच गया आपके पास 2, 2 में से कोई एक यहां हो सकता है, अब बच गया 1, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबको अरेंज करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा 4 फैक्टोरियल इनटू 4 इज इक्वल टू 96, या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा, सो टोटल अरेंजमेंट वुड बी, अरेंजमेंट विल बी 120, इधर फर्स्ट केस और सेकंड केस इधर और आ गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और तब आंसर कितना हो जाएगा 260, समझ आ रही बात, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि फर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, आई होप यू आप समझ में आपको आ गया होगा, ओके चलिए एक दूसरा सवाल करते हैं, चलिए इसी में करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं इसी डिजिट से, क्यों डाटा बताओ बार बार लिखना पड़ेगा, ये कर लेते 5, हाउ मेनी 4 5, चलो यहां से लिख लेता हूं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म
digits 1, 2, 3, 4, 5, which are divisible by 4. इसका मतलब ये है कि सारे डिजिट को इस्तेमाल करना है, पांच जो डिजिट दिए गए हैं, all 5 are to be used together, all 5 are to be used together, so 5 digit. अब आप समझे इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों को गलतियां होती है इस तरह के क्वेश्चन में, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है. अब ये जो दो जगह है, दो जगह इसमें पार्टीशन दे दिया, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होगा? पता है आपको 4 से डिवाइड कब होगा? कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तब होगा जब उसके लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होंगे. ये बात जानते थे आप? हां जानते थे ना, आप जानते होंगे, पक्का जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको पक्का पता होगा कि ये 4 से डिवाइड होगा. अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो नंबर 4 से डिवाइड होगा, यानी लास्ट टू डिजिट ये जो दिया गया है, ये लास्ट टू डिजिट किस तरह का होना चाहिए? तो आप देखिए कौन-कौन से नंबर हो सकते हैं लास्ट टू डिजिट, 12 हो सकता है और 13 13 नहीं, 14 14 नहीं, 4 से डिवाइड होगा, 15 15 नहीं होगा, ठीक है, 23 23 नहीं, 24 यस 24 हो सकता है, 25 नहीं, 34 कितना होगा, 34 नहीं, 35 35 नहीं, 32 कितना, 32 यस हो सकता है, अच्छा 45 नहीं, 43 नहीं, 42 4 से डिवाइड होगा नहीं, 41 डिवाइड होगा नहीं, 54 नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 53 53 नहीं, 52 यस 52 हो सकता है. इसका अर्थ ये है कि आखिरी में अगर 12 24 32 52 ये 4 डिजिट अगर हो तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो उसके पहले चाहे जो भी नंबर हो, नंबर 4 से पक्का डिवाइड होके रहेगा. The last digit of the numbers can be either 12 or 24 or 32 or 52. Means last two digit can be arranged in four ways. एक जगह नहीं, दोनों जगह combined four ways से arrange कर सकते हैं. Last के दो digit four ways से arrange कर सकते हैं. अब दो place arrange हो गए. आपके पास यहाँ पे कितने digit बच गए? Five. 5 डिजिट आपके पास बच गए और 5 डिजिट है टोटल, उसमें से दो इस्तेमाल हो चुके और कितने तरीके से इस्तेमाल हुए, 4 वे से. अब आपके पास कितने बच गए, 5 में से दो इस्तेमाल हो गए, आपके पास बच गए 3. 3 में से किसी को यहां पे अरेंज कर सकते हैं 3 वे, फिर बच गए 2, 2 को यहां और 1 को यहां, टोटल अरेंजमेंट होगा 3 into 2 6 6 into 4 24. तो 24 वेज कैन बी अरेंज. ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 24 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं और 24 संख्या बन सकती है, ऐसे 24 नंबर बन सकते हैं नंबर से, जो आखिरी में किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता. रिपीटेशन अलाउड अगर होता, अगर ऐसा क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पे अगर ब्लैंक केस बना दो, रिपीटेशन इज अलाउड नॉट अलाउड of digits are not allowed और यहां पे repetition of digits are allowed. अगर दूसरी केसेस का बनाऊं कि repetition of digits are allowed, repetition of digits are allowed तो क्या होगा, तब क्या हो सकता था, तब ये 5 डिजिट के नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, तो आखिरी के दो डिजिट बनाने के लिए क्या डबलेट किसी नंबर का डिवाइड होगा? यस, तब जो आखिरी के चार डिजिट होते हैं उसमें से उसको अरेंज करने के लिए, दो प्लेस को अरेंज करने के तरीके आपके पास होते 12 24 50 32 12 24 32 52 and 44 एज वेल. एक और 44 भी बन जाता, रिपीटेशन होती, आप 44 भी बना सकते थे आखिरी के दो डिजिट, तब भी 4 से डिवाइड हो जाता. क्या कोई और नंबर बन सकता है? नहीं. तो लास्ट के टू डिजिट अरेंज करने के तरीके होते 5. लास्ट के टू डिजिट अरेंज करने के तरीके हो जाते 5 वेज. और अब आपके पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस जगह को अरेंज करने के तरीके 5, इस जगह को अरेंज करने के तरीके 5, इस जगह को भी अरेंज करने के तरीके 5.
So 5 into 5 into 5 into 5, that is 625 ways that can be made. तो इतना बड़ा फर्क है, रिपीटेशन अलाउड है तो 625 वेज, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सिर्फ 24 वेज। ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है, क्यों होता है और हम क्यों करते हैं ऐसा। लास्ट टू डिजिट किसी भी नंबर का अगर 4 से डिवाइड होगा तो नंबर पक्का 4 से डिवाइड होगा। तो आपको वही पेयर बनाने होंगे जो लास्ट के दो डिजिट से डिवाइड हो रहा हो। और वो कौन कौन से नंबर बन सकते हैं वो आप बना लीजिए, उनकी गिनती कर लीजिए, वो 2, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। तो आपको जब ये बात पता चल जाएगा कि नंबर्स की जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है उस रिस्ट्रिक्शन को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 से डिविजिबल, इसमें एक नंबर हम और डाल देते हैं 0, और ये बोलते हैं कि कितने नंबर 5 डिजिट के बन सकते हैं या 6 डिजिट के बन सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। देखिए एक और क्वेश्चन कर देता हूं, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 है कि नहीं है। अब ये देखो, यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा, केस फर्स्ट ये ले लिया, यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो इस जगह को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। हमारे पास 6 डिजिट है, यहां 0 आ नहीं सकता, तो इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 5। इस जगह को अरेंज करने के 6, इस जगह को अरेंज करने के 6, इस जगह को अरेंज करने के लिए 6, और इस जगह पर 0 या 5 में से कुछ भी आएगा तो ये डिवाइड होगा 5 से। तो इस जगह को अरेंज करने के 2 तरीके, यानी जब रिपीटेशन अलाउड हो तब ये हो सकता है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तब बात अलग होगी। ये हो गया 6, 6 = 36, 36 = 5, 180, 180 × 12 = 2160। So, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके का। ये कब, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड हो, अलाउड, ठीक है। और यहां पे जब नॉट अलाउड हो तब क्या हो जाएगा दूसरा केस, तब आपको ये करनी पड़ेगी कि 0, यहां 2 केस बनेगा, तब एक सब केस बनेगा कि व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस, 0 is at unit place, case first 0 is at unit place, अगर यहां पर 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। और हम 6 digit का number बना रहे हैं, हमारे पास 6 digit है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 अगर unit place पे होगा, कितने digit का number बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 digit number बना रहे हैं हम, 5 digit number ही बनानी थी हमें। अगर 6 digit बनानी होगी तो एक और 6 से multiply हो जाएगा। How many numbers five digit can be formed? Right? Digits can be formed. So यहाँ पे फिर 5 digit हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं चाहिए, ठीक है। 5 digit numbers can be formed. So इसलिए यहाँ पे 0 अगर होगा तो इस जगह को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 में से एक इस्तेमाल हो गया, और 0 यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचे हुए 6 में से क्या इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, 2 इस्तेमाल हो गए, बचे हुए 4 में से इसको 4, इसको 3, इसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 को 20 या 100 के लिए 120, ठीक है। ये हो गए 120 वेज। दूसरा केस हो सकता है जब 0 यूनिट प्लेस पे नहीं हो, तब क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, 0 यहाँ पे इस्तेमाल हो नहीं सकता, एक इस्तेमाल हो चुका है, 4 तरीके से यहाँ हो सकता है, फिर ये 4, ये 3, ये 2, ये बनेंगे